नमस्कार थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। नुपुर शर्मा का विवाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में पहुंच गया है। दरअसल पहले भी नुपुर शर्मा राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं, पर पहले उन्हें कोई भी राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी, बल्कि वहां के तो जजों ने जो नुपुर शर्मा के लिए कहा बहुत ही आपत्तिजनक था, बहुत ही बुरा था, क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा को जिस तरह देश में हो रहे दंगों के लिए दोषी ठहराया। इसके अलावा जो कन्हैया लाल की उदयपुर में निर्मम हत्या कर दी गई, उसके लिए भी नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहराया गया, पर यह सही नहीं था। पूरे देश में इसके बाद इन दो जजों की टिप्पणियां मुद्दा बन गई थी, चर्चा का विषय बन गई थी। आपको बता दें कि पूरे देश में एक हड़कंप समझ गया था कि नुपुर शर्मा के समर्थन में ये नहीं बोल सके तो फिर कम से कम उसके खिलाफ तो नहीं बोलते। लोगों में यही चर्चा बनी हुई थी, लोग इसके जो खिलाफ है, दो दो जजेस के खिलाफ आक्रोश जता रहे थे। दरअसल इन दोनों जजेस ने नुपुर शर्मा को दोषी तो ठहराया ही, पर इसके बाद उन्हें और भी चीज़ें कही कि नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। जबकि मुझे लगता है और बल्कि भारत की पूरी जनता को ये लगता था कि इसको जजेस ने अपनी जजमेंट में शामिल ही नहीं किया तो उन्हें ये चीज़ें बोलने की आवश्यकता क्या थी, उन्हें कोई भी चीज़ें ऐसी बोलने की आवश्यकता थी ही नहीं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें इन जजेस ने बोली थी। नुपुर शर्मा का अब दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है तो बिल्कुल मामला पलट गया है। जो भी बातें वहाँ कही गई वो बिल्कुल बदली हुई हैं। दरअसल नुपुर शर्मा पहले भी सुप्रीम कोर्ट ही गई थी, पर जब उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो वो वापस लौट आई। उन्हें अहंकारी बताया गया, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें उनके लिए कही गई। इसके बाद जो देश में बवाल हुआ उस पर पूर्व जजेस ने और पूर्व आईएएस अधिकारी और पूर्व सेना के जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा इस बात को मंजूरी दी। ये कहा कि जो जजेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांग दी है, उन्होंने जो बातें कही वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। ऐसा कहने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने टिप्पणी की, उसके बाद नुपुर शर्मा की जान को खतरा और बढ़ गया। उन्हें और भी धमकियां आने लगी, जिस पर उनके वकील और नुपुर शर्मा किसी भी हाई कोर्ट में नहीं गए, सीधे दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ही गए और उन्होंने अपनी बात भी कही। हाल ही में आपको बता दूं एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो नुपुर शर्मा को मारने की इच्छा से आया था, मारने के मंसूबों से आया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकायदा उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और 10 अगस्त से पहले कोई भी एफआईआर पर कार्रवाई ना हो इसके बारे में भी फरमान जारी किया है। इसके बाद आपको बता दूं कि सभी राज्यों को भी इस राज्यों से भी इस बात का जवाब मांगा है कि सभी जो एफआईआर हैं उन्हें एकजुट कर दिया जाए, उन्हें क्लब कर दिया जाए। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट जब नुपुर शर्मा पहुंची तो किसी भी जज ने उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं की, जबकि पहले जजेस ने बोला था कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों आई हैं, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, अब की बार आप हाई कोर्ट ही जाएंगी। पर फिर भी नुपुर शर्मा ने हार नहीं मानी और दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ही गई। सुप्रीम कोर्ट में गई पर सभी जजेस को ये समझ आ गया था कि नुपुर शर्मा सही हैं। वो चाहते तो नुपुर शर्मा को फटकार लगा सकते थे दोबारा सुप्रीम कोर्ट आने के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर हम नुपुर शर्मा के साथ कुछ भी बोलेंगे नुपुर शर्मा के लिए तो देश हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो यही चीज़ उन्हें समझ आ गई और उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी में रोक लगा दी, इसके अलावा भी जो है जो एफआईआर है उन्हें क्लब करने की बात की। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर देश में ऐसा कुछ होता है, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, जजेस क्यों ना हो, अगर आपको गलत लगता है तो उसके खिलाफ एकजुट होकर और मर्यादा में बोलना चाहिए। इन चीज़ों के खिलाफ अगर बोलेंगे तो हमारा देश बद से बदतर नहीं होगा बल्कि बेहतर होगा, हमारा देश बेहतर से बेहतरीन होगा।
ये चीज़ें हमारे देश में बदलाव लाएंगी, क्योंकि अगर गलत के खिलाफ हमने नहीं बोला तो वो उन लोगों के मंसूबे बढ़ जाएंगे हमारे खिलाफ गलत करने के, और गलत के ऊपर अगर सवाल उठाए जाए, उंगली उठाई जाए, तो आगे से वो हिम्मत नहीं होगी उन लोगों की कि हम गलत करें, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि अगर वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं या गलत करने की सोच भी रहे हैं तो हम अकेले नहीं हैं, हम एकजुट होकर बोल सकते हैं, इस गलत के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब नुपुर शर्मा पहले गई थी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुनाया गया था कि आप अहंकारी हैं, आपकी वजह से देश में इतना बड़ा बवाल हुआ है, इतने लोगों की हत्या हो गई, इन सभी का दोषी नुपुर शर्मा को ही ठहराया गया। पर आज जो हुआ यहाँ पर, जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई नुपुर शर्मा, अब जो हुआ वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल इस वक्त जो पुराना मंजर था उससे पलटा हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पता चलता है कि अगर सभी धर्म, जो सभी लोग हैं वो एकजुट हो जाए तो क्या से क्या नहीं करते। यहीं पर स्वर जब एक स्वर में उठे तो वह बहुत ही बड़ा बन जाता है। यही हुआ, नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू लोग एक शांति प्रिय मार्च के साथ निकले सड़कों पर, हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय श्री राम के नारे लगाए, वहीं नुपुर शर्मा का समर्थन किया, जिससे पूरे देश में ये एक पैगाम सा गया कि सभी हिंदू एक हैं और नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा एक हिंदू शेरनी है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो बदली हुई दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ये एक मौका था अपनी गलती सुधारने का, जो उन्होंने किया, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी थे उन्होंने भी यह कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी मर्यादा लांघ दी है नुपुर शर्मा पर ऐसी टिप्पणी करके। इसके अलावा जो इनके स्वर बदले हुए दिखाई दिए, ये हुआ हिंदू एकता के कारण, क्योंकि हिंदुओं ने इस पर एक्शन लिया, अजमेर शरीफ की दरगाह वहाँ पर भी ज़्यादा कम कर दिया, बंद कर दिया, जिससे उनका भी बिजनेस ठप हो गया, जिसके बाद उनके भी, अजमेर शरीफ के जो लोग थे उनके भी स्वर बदले हुए नज़र आए। यही हुआ हिंदुओं के एकजुट होने से, नुपुर शर्मा के समर्थन से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।